और आपने सुना ये 12वां प्रोजेक्ट है, एक दो नहीं 12वां प्रोजेक्ट। अक्सर हम लोग पुलिस को देखते हैं तो भागते रहते हैं। गांव में एक बातें होता है कि नहीं भैया, चोर पुलिस का एक खेल, ऐसा होता ही नहीं। जैसे देखिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर एक पुलिस के थाने आए और पुलिस का वर्दी देखते हैं तो जब छोटा होते तो हम लोग भागते कि नहीं भैया पुलिस आ गया, क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए हम लोग भागते रहिए, पुलिस भी कह रहा है कि आओ बच्चों, क्या नए सपना दिखाते हैं तुमको, तुमको सिखाते हैं कैसे लर्निंग द ट्रेजर विद इन होता है, लर्निंग के अंदर भी ट्रेजर कैसे होते हैं। सिर्फ टीचर नहीं, आओ बच्चों हम तुम्हें भी सिखाते हैं। वो सिखाने का काम शुरू किया है। और कलकत्ता पुलिस हम सब जानते हैं, पूरा भारत में अगर देखेंगे हमारे पुलिस, कम से कम कलकत्ता पुलिस और गौतम जी जितने दिन से आए हैं कलकत्ता शहर में, अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई कम से कम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया। तो जब दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग को आगे बढ़ना, और आगे हम उस वक्त बढ़ सकते हैं हमारे पास जब तक एजुकेशन हो। हमारे पास एजुकेशन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और एक नॉवेलिस्ट का मैं नाम कह रहा हूं, उन्हें एक नॉवेल में लिखा कि हमारे थे किसे बड़ो। अगर कोई आदमी पूछता है मजदूर, गौतम मोहन जी, नाजीब अरीफ जी, सुरेंद्र जी, मैडम सैयदा इमाम, डॉक्टर अदनान, हमसे बड़े किस पे है। देखिए एक आदमी कह रहे कि 100 रुपया का मुझे काम दो भैया, एनआरजीए का काम दो, उसके पास ताकत भी ज्यादा है। चाहे तो कम से कम हम पुलिस की बात तो नहीं कहूंगा, कमिश्नर साहब की बात तो नहीं कहूंगा, बाकी सबको कम से कम वो हरा देगा ताकत। लेकिन अगर पैसे के मामले हो तो सबसे घाटे में चला जाएगा। छोटा इसमें तो एजुकेशन में, आप अगर एजुकेशन में नहीं है तो आप पीछे, आप अगर एजुकेशन आपके पास है तो आप बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े बन गए। उस एजुकेशन पहले वो फाउंडेशन है। मैडम इमाम हमारे साथ है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो रिसेंट सर्वे रिपोर्ट दिया है उसमें बंगाल में ऑलमोस्ट 99% एंड अबव बच्चे स्कूल में जाते हैं। लेकिन साथ साथ ये अफसोस और दुख की भी बात है कि कलकत्ता शहर में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है बंगाल में। बंगाल में अगर कहीं सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है तो कलकत्ता शहर में सबसे ज्यादा है, और स्लम एरिया में है और स्ट्रीट में। स्लम की कहानी के अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग गंगा देख रहे हैं, बहती हुई गंगा, और उस वक्त गंगा के दो पास में आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने से बिहार यूपी तरह तरह के जगह से सब मेरे साथी आए थे, और वो लड़ाई करके अपने अपने जगह पे थे, फिर भी वो लड़ाई करना पड़ रहा है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट हो रहा है। दूसरी बात है कि आज की जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेनर वर्ल्ड, एंटरप्राइज, एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनरशिप, हम तो बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर हमारे 99% बाप हमारे